तो गाइज एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। गाइज पिछली वीडियो का शाउट आउट आता है खतरनाक गेमिंग फॉर एवर को। उन्होंने कमेंट किया कि शॉर्ट वीडियो वायरल कैसे करेंगे, उसके अंदर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि शॉर्ट वीडियो के अंदर हैशटैग कैसे यूज करेंगे, शॉर्ट वीडियो के अंदर टाइटल कैसे यूज करेंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है न्यू यूट्यूबर हेल्प के नाम से, वो जाके आप चेक कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइज उस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी शॉर्ट वीडियो कैसे वायरल करते हैं। तो गाइज जैसे कि आपने आज का टाइटल और आज का थंबनेल आपने रीड किया होगा कि अपने चैनल को सर्च में कैसे लाएंगे, तो गाइज जो भी नई यूट्यूबर होते हैं उनको पता नहीं होता कि चैनल को सर्च में कैसे लेंगे, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है कि चैनल की कौन सी हम ऐसी सेटिंग करेंगे जिससे कि हमारे चैनल सर्च में आ जाए। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। आपको पता लग जाएगा कि चैनल की सेटिंग कैसे करें जिससे कि हमारे चैनल सर्चिंग में आ जाए और हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आने के चांस इंक्रीज हो जाए। तो गाइस ऐसी सेटिंग आज आपको बताने वाला हूं, वो भी बिल्कुल मोबाइल से। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से वो सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं टेक स्टूडियो। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे गाइज आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी सेम वैसे वैसे करना, जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। तो गाइज मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका चैनल 24 घंटे में सर्च में आ जाएगा, बट मैं ये कहूंगा कि अगर आप ये सेटिंग कर लेते हैं तो आपका चैनल 2 या 3 दिन में सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं वो सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाएंगे और अपनी वीडियोज पर व्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको कौन सी चैनल की सेटिंग करनी है जिससे कि आपका चैनल सर्चिंग में आ जाए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूंगा, वैसे वैसे आप करते रहिएगा। तो सबसे पहले गाइज आपको क्या करना है कि आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है क्रोम ब्राउजर के अंदर, और आपको ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूं सेम आपको वैसे वैसे करना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं ताकि आसानी से आपको दिखाई दे। तो गाइस इसका थोड़ा आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी है, तो मैं यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देता हूं। यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करने के बाद जैसे गाइस मैं आपको बताता रहूंगा सेम वैसे आपको वैसे वैसे करना जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो गाइस जैसे कि मैं पहले सबसे पहले कोई भी वीडियो पर क्लिक कर लेता हूं, जो भी आपने अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो चैनल का नेम है वो आपको टाइटल में यूज करना है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे मैंने सेटेक स्टूडियो यूज किया हुआ है, और सेम वैसा ही मैंने डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में भी लिखा हुआ सेटेक स्टूडियो। जो भी मेरे चैनल का नेम होगा, जो भी आपके चैनल का नेम होगा, वो आपको क्या करना है कि टाइटल में लिखना है और डिस्क्रिप्शन में लिखना है और टैग्स में भी जाकर लिखना है। तो गाइस ये होगी पहली सेटिंग, एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियोज को एंड तक जरूर देखते रहना, और गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि इसी प्रकार की मोर यूनिक वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस सेकंड सेटिंग कौन सी है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि वापस से आपको स्टूडियो पे क्लिक करना है। स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सेटिंग ऑप्शन, सेटिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको चैनल के ऊपर क्लिक करना है, जो आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे कीवर्ड दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको इस प्रकार के कीवर्ड डालने हैं, जो भी आपका चैनल का नेम है इस प्रकार के कीवर्ड आपको यहां पे आके डालने पड़ेंगे, और जिस प्रकार के आप टॉपिक बनाना चाहते हैं जैसे कि मेरे चैनल के टॉपिक क्या क्या वो आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे मैंने डाला कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे करेंगे, वॉच टाइम कैसे करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर इस प्रकार की यूनिक वीडियो बनाता हूं इसलिए मैंने जो टाइटल में डालता हूं वीडियोस के वो मैं यहां पे कीवर्ड के अंदर आने के बाद जब डाल दिया। तो गाइस जो भी आपका चैनल का नेम है इस प्रकार से यहां पे आपको डालना है। तो जैसे कि मैं यहां पे गलत स्पेलिंग भी डाल सकता हूं, तो शेयर टैग इस प्रकार की मैंने गलत स्पेलिंग डाल दी क्योंकि बहुत से लोगों को स्पेलिंग याद नहीं होती और चैनल का नाम थोड़ा-थोड़ा याद होता है, इसलिए बहुत से लोग शेयर टैग का TEK भी डाल देते हैं। और ये डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पे आपको कोमा लगा देना है, कोमा लगाने के बाद यहां पे आपका टैग बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको यहां पे चैनल की सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको इस प्रकार के कीवर्ड डालने हैं जिससे कि आपका चैनल 2 या 3 दिन में सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा, और इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो गाइस जो मैंने पहले सेटिंग बताई थी कि आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो का जो टाइटल होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो टैग्स होते हैं उसमें हमें कीवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी अपने चैनल का नेम होता है वो कीवर्ड आपको अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टैग्स में इस प्रकार के आपको कीवर्ड डालने हैं जिससे कि आपका चैनल 2 या 3 दिन में सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस प्रकार का आपका चैनल का कैटेगरी है उस प्रकार के कीवर्ड आप अपने कीवर्ड्स के अंदर डाल सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे सेटिंग ओपन की हुई है। तो चलिए गाइस इसको सेव कर लेता हूं, इस प्रकार से आप अपने कीवर्ड डाल सकते हैं। तो चलिए गाइस थोड़ी बातें और कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, सेम अगर आप वैसा कर लेते हैं तो आपका चैनल 2 या 3 दिन में सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस अगर आपके अभी तक 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफी ज्यादा यूनिक वीडियो बना के रखी है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी न्यू यूट्यूबर हेल्प के नेम से, उसके अंदर आपको काफी ज्यादा यूनिक वीडियोस मिलेगी जिससे कि आप जल्दी जल्दी 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। तो काफी यूनिक वीडियोस मिलेगी आपको मेरे चैनल पे। तो गाइस इसी प्रकार की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर आप जल्दी जल्दी 4000 घंटे करना चाहते हैं तो जैसे कि आपको आई बटन में लिंक दिखाई दे रही होगी उस पर क्लिक करके आप जल्दी जल्दी अपने 4000 घंटे कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। तो गाइस अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं या आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो गए वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है
होती है उसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज इसी प्रकार मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइज करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।